के आतंकी हमले के बाद इसराइल में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा फाइनली मुंबई पहुंच गई हैं। नुसरत की इस वापसी से उनकी फैमिली और फैंस ने राहत की सांस ली। इससे पहले रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि नुसरत की पीआर टीम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन बाद में टीम उनसे जुड़ पाई और फिर उन्हें सेफली इंडिया पहुंचाने की प्लानिंग हुई। नुसरत से कॉन्टैक्ट करने के बाद उनकी टीम ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। इसमें उन्होंने कहा, आखिरकार हम नुसरत से कॉन्टैक्ट करने में कामयाब रहे। अब एम्बेसी की मदद से उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया जा रहा है। हमें सीधी फ्लाइट नहीं मिली, इसीलिए नुसरत कनेक्टिंग फ्लाइट से घर पहुंचेंगी। सेफ्टी रीजन से हम ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो सेफ हैं और घर आ रही हैं। इस पर अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि नुसरत सुरक्षित मुंबई पहुंच गई है। नुसरत भरूचा अपनी फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग के लिए हाइफा गई हुई थी। इस फिल्म में वॉर जोन में फंसी एक लड़की की कहानी दिखाई गई थी। शायद नुसरत ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें असल में ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इसराइल में अभी हालात गंभीर हैं। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा गया है। इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सावधानी बरतने, बेवजह घर से ना निकलने और सेफ्टी शेल्टर्स के नजदीक रहने की सलाह दी गई है।